इधर है ना, इसको इसने बांट लिए होते तो सब चील कौओं की तरह यार फूट पड़ते के आपने ऐसे जूते बांट दिए। ये नहीं देखते कि हमने बजट क्या भेजा था, एक साल की गारंटी थी चलने की, एक महीने की। अब यहाँ से संख्या देखिए वो क्या करते हैं, कितनी संख्या भेजते हैं, कितने आते हैं। इनकी रिपेयरिंग का तो पैसा आएगा नहीं, ना इनकी कोई रिपेयरिंग हो सकती है। ये किसके जूते हैं यहाँ? जीशान को यहीं से तो मिले थे, ये वही तो है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह एक बारह तेरह तेरह दो छब्बीस छः बारह के भाई छः जोड़ी में और तेरह जोड़ी में तेरह और छः उन्नीस जूते का एक पैर का होने का आ रहा है सामने, पूरा मैटर है क्या एक्चुअल में? एक्चुअल में ये 52 हजार जूते एक पैर के नहीं है, जो सुमाजा और पावर इलेक्ट्रो इंफ्रा द्वारा जो सप्लाई दी गई थी जनपद में जूतों की, उनका एक सत्र की वारंटी थी। और ये वारंटी पीरियड में जूते फट गए या इनकी सिलाई उड़ गई है या इनका सोल फट गया है, ये जूतों की संख्या हमने निकलवाई है जो खराब हो गए। ये खराब जूते ब्लॉक पे कलेक्शन किया जा रहा है, इन जूतों को रिप्लेस कराया जाएगा कंपनी के द्वारा। लगभग कितने इसकी संख्या में है? लगभग 52 हजार जूते जूते खराब जो निकले हैं। हाँ, ये जो वारंटी पीरियड में खराब हुए हैं करीब 52 हजार जूते। किस कंपनी ने सप्लाई किए थे? पावर इलेक्ट्रो इंफ्रा ने सप्लाई की थी। तो क्या ये जिला स्तर से इसका टेंडर हुआ था या नहीं? शासन स्तर से टेंडर हुआ था, वहीं से जिले अलॉट हुए थे। हमारे पास सप्लाई आई और लैब रिजल्ट थी उनके पास, वहाँ से इनकी टेस्ट रिपोर्ट होकर आने के बाद ही ये लिए गए। अच्छा, इस तरह का कोई मामला नहीं है कि 52 हजार जूते एक ही पैर के आ गए? नहीं नहीं, इस तरह का कोई मामला नहीं है कि 52 हजार एक ही पैर के जूते हैं। अच्छा, जिस तरह से एक बड़े बड़े नंबर में जूते खराब निकले हैं या जो भी सामान सामग्री खराब निकली है, तो क्या ऐसी कंपनी के लिए आप कोई शिकायत करेंगे शासन में? साहब, इस तरह की कंपनी इस तरह की कंपनी को रिप्लेसमेंट के लिए कहा गया, अगर कंपनी रिप्लेस नहीं करती है उसके बाद शासन को लिखा जाए। अच्छा, अगर रिप्लेस करने से मना करती है तब शासन को लिखा जाए। उससे पहले हम शासन को भी नहीं, ये तो रिप्लेस